So guys, आज का दिन टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत ही शानदार दिन था, क्योंकि एक तरफ से ऑस्ट्रेलिया बहुत ही जोरदार बैटिंग कर रही थी और एक तरफ से इंग्लैंड बहुत ही शानदार बॉलिंग करा रही थी। तो आज से एशेज के तीसरे टेस्ट का पहला दिन स्टार्ट हो चुका है और भाई लोग आज के दिन के स्टार्ट में हमारे भैया बेन स्टोक्स ने टॉस जीत करके गेंदबाजी चुनी और ये फैसला इंग्लैंड के लिए बहुत ही सही साबित हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर बहुत ही जल्दी तितर बितर हो गया। लेकिन फिर आए मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड। दोस्तों, आज मिचेल मार्श ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर के आए थे। उन्होंने इंग्लैंड के प्लेयर्स को बताया कि असली बेसबॉल क्रिकेट क्या होता है और टेस्ट क्रिकेट में रिटर्न करते हुए मिचेल मार्श ने अपना शतक पूरा किया। लेकिन मिचेल मार्श के आउट होने के बाद मार्क वुड की तूफानी गेंदबाजी को कोई खेल ही नहीं पाया और आज रिटर्न करते हुए मार्क वुड ने भी 5 विकेट हॉल लिया। तो कंगारूज ने अपनी पहली इनिंग 263 पे खत्म की और इंग्लैंड की बैटिंग की पहली इनिंग को पैट कमिंस ने तहस नहस कर दिया। तो आज के दिन में इंग्लैंड 3 विकेट के नुकसान पर 68 रन बना पाया और आज हमारे बेस्टो भैया जब बैटिंग करने आए थे तो आज वो क्रीज को नहीं छोड़ रहे थे और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ये डर हमें अच्छा लगा।